Hello, my dear students. आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर 8 में एबेकस के बारे में बताया था, ठीक है? और अभी लेक्चर 9 में वो एक्सरसाइज नंबर 2 कंटिन्यू है, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनिए। जब हम बोल रहे हो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए, और जब बोर्ड पे लिख रहे हो तो उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट्स, है ना? ये जो कुछ खाली बॉक्स दिया हुआ है, ये जो बॉक्स खाली दिया हुआ है उसमें कुछ डिजिट जो है मिसिंग है, उसी डिजिट्स को हमको इसमें लिखना है, ठीक है? और उसको लिख करके भरना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए से लेकर एच तक दिया हुआ है आपके बुक में, ऑप्शन नंबर ए से लेकर एच तक दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें से मैं आपको ऑप्शन ए बी और सी तीन बता दे रहा हूं, बाकी जो इसका ऑप्शन जो है उसको आप सेल्फ बनाएंगे, है ना? तो देखिए ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है 3578, यानी कि ये नंबर्स में लिखा हुआ है ना? ये सब को अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब क्या है, एक नंबर्स है 3578, ये टोटल एक नंबर्स हो गया। लेकिन इसको जैसे जैसे वन बाय वन करेंगे तो एक एक डिजिट हो जाएगा, 7 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है। अलग अलग इसको देखेंगे तो सब ये अलग अलग डिजिट है, और अलग अलग डिजिट से मिल करके ये एक नंबर बना हुआ है, ठीक है? अलग अलग डिजिट मिल करके एक नंबर बना हुआ है, और इसके प्लेस वैल्यू के बारे में आपको मैं बताया था, प्लेस वैल्यू के बारे में आपको मैं बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स दिया हुआ है सिर्फ उसमें डिजिट को डालना है, क्या डाला है इसमें से डिजिट को डालना है, और बाकी वो किस प्लेस पे है, 1000 हो, 100 हो, 10 हो या 100, तो इसमें प्लेस जो है उसका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें से चुन करके हमको डिजिट लिख देना है, ठीक है? चलिए 3578 एक नंबर हो गया। अब इसमें से देखिए यहाँ पर 1000 दिया हुआ है ना, तो इसमें हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 1, 10, 100, 1000, ठीक है? 1000 पे आपके कौन सा है डिजिट, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 100 है, तो 100 प्लेस पे फिर से हम काम करेंगे, 1, 10, 100, तो 100 प्लेस पे कितना डिजिट है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद ये 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 1, 10, तो 10 के प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट है, 7 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। वैसे ही 1 के प्लेस पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है? मतलब इसमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसका प्लेस भी लिखा हुआ है, और खाली जगह दिया हुआ है जिसमें उसके डिजिट को, उस प्लेस पे कौन सा डिजिट आया है उसी डिजिट को हमको पास ऑन करके लिख लेना है, ठीक है? एक मैं आपको ये बता दिया, और इसमें से जितना भी होगा, जितने भी ऑप्शन में कुछ भी देता है उसको सब सेम है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको डिजिट पास आना है, ठीक है? अब इसमें क्या है, 5347, जिसमें 1000 के प्लेस पे मेरा क्या है,
उसके बाद 100 के प्लेस पे 3, 10 के प्लेस पे 4 और 1 के प्लेस पे 7। ठीक है, आसान हो गया। एक में आपको पूरा डिटेल्स बता दिया, अब इसमें पहचान करके आप इसको फिल कीजिए। वैसे ही इसको देखिएगा, 1000 प्लेस पे क्या है 7, 100 के प्लेस पे 2 और 10 के प्लेस पे 0 और 1 के प्लेस पे 6। तो इसको आपको पहचान करके, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर देता हो तो उसको आप ऐसे पहचान लीजिए और वैसे फिल कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका क्या लिखना है हमको, इसका नंबर्स नेम लिखना है। ठीक है, तो नंबर्स नेम लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये 4000, ये 1000 के प्लेस पे है ना 4000, ये 4 है तो 4 लिख दिया, और किस प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे 1000 लिख दिया, तो 4000 6, ये किस प्लेस पे है 6, 100 के प्लेस पे 600, उसके बाद 87। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 2869, तो इसको लिखेंगे हम 2869। वैसे ही है ये 6380, तो उसी हमको प्लेस पास करना है, कितना है उसको वैसे लिख देना है, तो 6000 के प्लेस पे है 1000, 100 के प्लेस पे 3, तो 300 लिखेंगे, उसके बाद 18। वैसे ही ये 7513, वैसे ही आप लिख लीजिए इसको अपने से 7513। ठीक है, और इसको यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पर भी बता दिया। ठीक है, जो नंबर लिखा हुआ है उसको प्लेस वैल्यू में लिखा हुआ है तो डिजिट डालना है, और यहाँ पर नंबर दिया हुआ है उसको नंबर नेम में लिखना है, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। इसको ध्यान से देखिए और जैसे होता है उसको फिर आगे देखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 को है, ध्यान से देखिए। राइट द नंबर्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न केयरफुली। ठीक है, ये जितना भी नंबर दिया हुआ है इसको सावधानी से देखना है और समझना है कि ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ऑप्शन ए में है 5077, 5078, 5079, है ना, तो इसका पैटर्न क्या है आप ध्यान से देखिए। इसका पैटर्न ये हुआ कि ये काउंटिंग में लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, काउंटिंग में लगातार छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ ये काउंटिंग हो रहा है ना। लेकिन ये कितना कितना बढ़ रहा है, 77 के बाद क्या है 78, 78 के बाद क्या है 79, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 प्लेस पे भी सब बराबर है, 100 प्लेस पे भी सेम है, 1000 प्लेस पे भी सेम है, मतलब एक एक नंबर आगे बढ़ रहा, मतलब कंटिन्यू अपना ये बढ़ रहा है।
है ना, तो इसको हम पैटर्न केयरफुली जो बोल रहा है तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये जो है किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए या इसको एसेंडिंग ऑर्डर बोलिए, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए या एसेंडिंग ऑर्डर बोलिए, उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर डॉट 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 खाली जगह कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, मतलब ये जब हम आगे की तरफ लिखते जाएंगे सेम पैटर्न पे तो इसको हमको 4 बार और लिखना है आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये 5077 5078 5079, तो 5079 के बाद क्या आएगा, अब जैसे आपको मैं बताता हूं इसका अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ 79 है, इसके बाद काउंटिंग करेंगे क्या आएगा, 79 के बाद क्या होता है, 80 होता है, तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे, मतलब 5080, और 5080 के बाद क्या होगा, 5081, और 5081 के बाद 5082, और 82 के बाद 383 होता है, 5083। आ समझ में, तो वैसे ही ये जो पैटर्न है इसको देखिए समझिए, और फिर जितना बार यहाँ पर बोलता है फिल करने के लिए उसी पैटर्न के उसको आगे आप फिल कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही इसको जब देखेंगे तो ये भी 1000 प्लेस पे क्या है, सेम है, 100 प्लेस पे सब सेम है, लेकिन ये जैसे 3 नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 बार और लिखना है, तो इसका 100 प्लेस क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ के बाद हम क्या लिखेंगे, 6298 है, तो 98 के बाद क्या होता है, 6299, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक जब इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6299 में जब प्लस 1 करेंगे तो क्या होता है, इसको प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6300, ठीक है, 2 हो गया, फिर इसमें 1 बढ़ना है, 6301 और 6302, इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन सी में जो है क्या है, 997 998 999, तो इसमें भी क्या है, एक एक बढ़ा है ना, सब में एक एक बढ़ा रहा है, जो भी पैटर्न है सेम दिया है, जैसे 96 97 98, 77 78 79, वैसे 97 98 99, सब एक एक बढ़ा हुआ है ना, तो 999 में जब आप प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 होगा, अगर नहीं समझ आता हो तो उसमें प्लस 1 करते हुए आप चले जाएंगे तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000, उसके बाद इसमें आप बोलेंगे 1001, उसके बाद 1002 और 1003, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ साथ ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो भी आज फिनिश हो गया, मतलब एक्सरसाइज 2 में जितने टाइप का क्वेश्चंस आपको बताया गया है उसको सावधानी से उसको देखेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो जो आपके टीचर्स के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसको आप उसमें अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सेंड कीजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, और आगे
और ये लेक्चर 10 में जो है आपको एक्सरसाइज नंबर 3 बताऊंगा।